ठीक है, आज जो हम लोग पैटर्न देखेंगे वो हम लोग रिवर्स पैटर्न देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग कल पैटर्न बनाए थे, कैसे बनाए थे, राइट एंगल ट्रायंगल में बनाए थे। ठीक है, अब हम लोग रिवर्स बनाएंगे। जैसे कि 5 स्टार है, फिर 4 स्टार है, ठीक है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा। ठीक है, समझ गए। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग पिछला पैटर्न बनाए थे तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से किए थे ऐसे। ठीक है, पहले 1 था, फिर 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी, अब वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 5 से हो रही है, -1 -1 -1 -1। ठीक है, 5 -1 4, 4 -1 3, 3 -1 2, 2 -1 1। ठीक है, फिर ख़त्म। ठीक है, इस टाइप का हम लोग क्या बना रहे थे, पैटर्न बना रहे। ठीक है, अभी हम लोग को वैसे ही करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, रिवर्स स्टार्ट करना है इसका। ठीक है, चलो हम लोग अपने टर्बो C++ में आ जाते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक है, फाइल में जाके न्यू ले लेते हैं, यहाँ F5। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ राइट ए प्रोग्राम टू ठीक है, पैटर्न नंबर कौन सा होगा अपना, 4। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, पैटर्न 4.c। ठीक है, मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड। ठीक है, जब तक मैं हैश इंक्लूड ये सब लिख रहा हूँ तब तक सोच के रखो। ठीक है, stdio.h हैश इंक्लूड कॉन io.h। ठीक है, void main get ch। ठीक है, int i कॉमा j clrscr, बताओ वक्त आ गया फॉर लूप का। ठीक है, दो फॉर लूप लगेगा, लगेगा ना। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कैसे कैसे होगा ये बताओ। ठीक है, बताओ कैसे होगा। आई इक्वल टू 5 और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, आई माइनस माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर लूप में जे जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस। ठीक है, आ जाएगा ऐसे में। ठीक है, प्रिंट एफ हम लोग यहाँ कर दिए और यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स के अंदर स्टार प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे न्यू लाइन।
ठीक है, चलो रन करके देखते हैं, रन होता है और क्या आउटपुट आता है इसका। अरे वाह, सही आया। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आया? देखो, इनर लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 5 से लेके 1 तक चल रहा है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे हम लोग क्या लगा है, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब जब तक आई की वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ी रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, हर बार 1 स्टेप डिक्रीमेंट होना है। यहाँ पे हम लोग यूज़ किए डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे चाहे तो हम लोग माइनस माइनस आई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग दोनों ही तरीके से इसमें बना सकते हैं। क्लियर है? माइनस माइनस आई या फिर आई माइनस माइनस दोनों हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई दूसरे बुक्स वगैरह में देखोगे या फिर इंटरनेट वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे माइनस माइनस आई दिया होगा, तो वो भी सही है। ठीक है, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? आउटर वाला 5 से लेके 1 तक चल रहा है, मतलब पहले वाले रो में, सॉरी 5 4 3 2 1 इस टाइप से रो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, रो नंबर 5, रो नंबर 4 3 2 1, 5 रो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब 5 रो में, अब पहले बार में आई की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, मतलब जे की वैल्यू 1 है। 1 से लेके कहाँ तक चलेगी? 5 तक चलेगी। समझ में आया? चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अपने नोट पैड प्लस प्लस पे और यहाँ से हम लोग प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पैटर्न 4। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आई की वैल्यू, जे की वैल्यू और यहाँ पे हम लोग पैटर्न प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? सबसे पहले हम लोग कहाँ, क्या वैल्यू होगी आई की? आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 5 से लेके 1 तक जा रही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 5 से लेके 1 तक जा रही है। तो आई की वैल्यू सबसे पहले कहाँ, क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, जे की वैल्यू क्या होगी? जे की वैल्यू 1 होगी, सबसे पहले 1 होगी। ठीक है, 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो एक बार क्या प्रिंट करेगा? स्टार प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? एक बार स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, जे की वैल्यू क्या हुई? 2 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और यहाँ पे 1 स्टार और प्रिंट करेगा। फिर जे की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, फिर 1 स्टार प्रिंट करेगा। फिर जे की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, फिर से 1 स्टार प्रिंट करेगा। फिर जे की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, फिर से 1 स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, अब जे की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। 6 में लूप खत्म, मतलब कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा और हमारा लूप ये खत्म हो जाएगा। फिर न्यू लाइन प्रिंट करेगा। अब कहाँ आ गए? न्यू लाइन पे आ गए, न्यू लाइन पे आ गए। अब ये वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। किसकी वैल्यू? आई की वैल्यू। आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई और क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है, क्या हो गई? आई की वैल्यू 4 हो गई। अब अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा? आई की वैल्यू तक, आई की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 1 से लेके 4 तक चलेगा। ठीक है, 1, जे की वैल्यू 1 हुई। ठीक है, तो एक बार स्टार प्रिंट किया, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 2 हो गई। एक बार और स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। फिर से एक स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है,
फिर क्या होगी, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर से एक स्टार प्रिंट करेगा, अब जे की वैल्यू हो गई 5, क्या होगा, अंदर वाला लूप ख़त्म, ठीक है। लूप ख़त्म हो गया मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स ही चला और 4 बार वो स्टार प्रिंट किया, क्लियर है। फिर न्यू लाइन एग्जीक्यूट होगा और हम लोग का जो पॉइंटर है न्यू लाइन पर जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी। अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ठीक है। तो कितने स्टार प्रिंट होंगे, 1 2 3, क्लियर, आया समझ में, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या, 3 3 थी, ठीक है। अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जे अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, ठीक है। और क्या प्रिंट करेगा, 2 सितारे, ठीक है। फिर उसके बाद लूप ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही आई की जे की वैल्यू 3 होगी, लूप ख़त्म हो गया और यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट करेगा। तो कर्सर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी और क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 1। अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, 1 बार चलेगा और यहाँ पे 1 सितारा प्रिंट करेगा, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है, यही पैटर्न पे एग्जीक्यूट हुआ है, देख लो ऊपर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, इसी पैटर्न प्रिंट हुआ है, ठीक है। अगर मैं स्टार के जगह पे जे प्रिंट कर देता हूँ, क्या प्रिंट करता हूँ, जे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा, जे, क्यों, मेरे को, मुझे स्टार के जगह जे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, जे, जे की वैल्यू प्रिंट करना है, क्यों, हाँ ये तो जे की वैल्यू है ना, ये तो जे की वैल्यू है, ये पूरी जे की वैल्यू है, ये वाली, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ये जे की वैल्यू, तो एज इट इज प्रिंट होगा वो। यहाँ पे हम, यहाँ कैसे नो सर बोल रहे हो, मैं कब बोला, मैं अपोजिट वर्ड बोला ही नहीं, मैं क्या बोला, मुझे इस स्टार की जगह पे जे की वैल्यू प्रिंट करना, क्या बोला, जे की वैल्यू प्रिंट कर, तो जे की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ऐसी वैल्यू आएगी, नहीं आया समझ में, आ गया, चलो प्रिंट करके देखते हैं, साक्षात दर्शन कर लेते हैं कैसा आता है आउटपुट, ठीक है, कोई गीले शिकवे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परसेंट डी और कॉमा देके हम लोग यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट हो गया, ऑल्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, आया, समझ में आया आउटपुट। तो ये हमारा पैटर्न नंबर 5, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हैं एक एक, ताकि हम लोग को अच्छा लगे, ठीक है, ऐसा एक स्पेस दे देते हैं ताकि आउटपुट थोड़ा अच्छा है दिखे, ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया। अगर इसका रो और कॉलम्स में अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट रो में कितने कॉलम बन रहे हैं, 5 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। सेकंड रो में कितने कॉलम बन रहे हैं, 4 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। थर्ड रो में कितने कॉलम बन रहे हैं, 3 कॉलम बन रहे हैं। फिर फोर्थ रो में 2 कॉलम बन रहे हैं, फिफ्थ रो में सिंगल कॉलम बन रहा है,
ठीक है, अगर यहाँ पे मैं जे की जगह आई की वैल्यू प्रिंट करूँ तो क्या आउटपुट आएगा? अच्छा चलो करके देखते हैं, यहाँ पे मैं आई प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आया? तो ये एक प्रकार का मिरर इमेज है, ठीक है, अगर किसी भी पैटर्न के नीचे में ऐसे मिरर लग दो तो उल्टा दिखेगा, वैसे ही टाइप का ये हम लोग प्रिंट किए रिवर्स में, ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया, पक्का बन जाएगा, पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप यहीं पे ख़त्म होता है, कल से हम लोग देखेंगे वाइल लूप, ठीक है, जितनी चीज़ें यहाँ पे बताया हूँ सेम चीज़ें वाइल लूप में भी हो सकती है, ठीक है, तो मैं वाइल लूप के उतने ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कराऊँगा, ठीक है, बेसिक बेसिक प्रोग्राम कराऊँगा, बस सिंटेक्स अपने को समझना है अच्छे से, ठीक है। वाइल लूप फॉर लूप लगभग लगभग पूरा का पूरा 80% सेम काम करता है, ठीक है, क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को कुछ डाउट है क्या फॉर लूप में?